हेलो गाइस, आई एम अभिषेक कनौजिया। सो आज की वीडियोस में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे मैं डिप टैग का यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिप टैग क्रिएट करेंगे जो कि DIV डिवीजन टैग है। सो इसके टैग का यूज़ करते हुए आप इस पूरे वेब पेज पे कलर एंड बैकग्राउंड चेंजमेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक ID यूज़ कर लेता हूँ, ID। सो ID में मैं इसको कंटेनर लिखता हूँ, कंटेनर। सो इस कंटेनर के अंदर जैसे कि मेरा ये वेब पेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ओके, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये मेरा पूरा एक वेब पेज है बनाऊँगा जिस पे, तो ये मेरी फाइल है। जैसे कि मैं इस पे अगर यहाँ पे एक बैकग्राउंड देता हूँ तो ये इस तरह से पूरा पूरा बैकग्राउंड कवर करेगा। सो मैं भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस ID। ज़्यादातर मैं अपने इस HTML फाइल में CSS को इंटरनल CSS यूज़ करूँगा। सो उसके लिए मुझे हैस एंड कंटेनर कीवर्ड यूज़ करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे ID दी हुई है, एंड कर्ली ब्रैकेट्स। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे, अगर आप यहाँ पे चाहें बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर बहुत आर सेम। सो मैं यहाँ पे पहले ब्लू कलर का बैकग्राउंड देता हूँ। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का बैकग्राउंड दे दिया है, बट यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड नहीं आएगा, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे कंटेनर कलर ब्लू बैकग्राउंड। ओके, यहाँ पे वही एरर है जिस वजह से पूरा पूरा लिख के आ रहा है। सो कंटेनर, अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो सॉरी, मैंने यहाँ पे अपना स्टाइल टैग का यूज़ करना भूल गया हूँ। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करना होगा, जिसके अंदर आप अपनी CSS फाइल राइट करेंगे। सो आप देख रहे हैं, मैंने इसके अंदर अपनी इस कंटेनर फाइल को सेव किया। अभी मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ना हाइट दी है ना विड्थ दी है। सो उसके लिए आपको यहाँ पे विड्थ एंड हाइट दोनों देना ज़रूरी है। सो जैसे कि मैं भी आपको यहाँ पे हाइट एंड विड्थ दे के दिखाता हूँ। सो अगर मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 1100 पिक्सल्स एंड 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे केवल इसको 100 पिक्सल यानी 1000 पिक्सल विड्थ देता हूँ, एंड हाइट देता हूँ मैं इसको 600 पिक्सल्स। ओके, मैं इसको सेव कराता हूँ, तो अभी आपको यहाँ पे मेरा ब्लू बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा इस ब्लू बैकग्राउंड को, तो इसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है, मैं इसकी हाइट को नॉर्मल करता हूँ। ओके, 500 पिक्सल स्कोर, तो अभी आप देख रहे हैं जैसे कि मेरे यहाँ से यहाँ तक विड्थ है एंड यहाँ से यहाँ तक की हाइट है। सो इस तरह से आप बैकग्राउंड ले सकते हैं कोई भी कलर। एंड अभी मैं इसी में आपको यहाँ पे मार्जिंग और पैडिंग दोनों का यूज़ करके बताऊँगा दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से यूज़ होती है। सो मार्जिंग क्या होगी? मार्जिन बेसिकली इस आपको जो वाइट स्पेस दिख रहा है इसके बीच एंड इसके बीच, तो इन दोनों के बीच जो भी हम डिफरेंट यानी जो भी हम स्पेस देंगे वो हमारा मार्जिन होगा। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलता हूँ मैं यहाँ पे लेफ्ट में 40 या 80 पिक्सल्स की मार्जिन दूँ तो क्या होगा, तो मैं अभी आपको यहाँ पे मार्जिन दे के दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे मार्जिन दूँगा, मार्जिन अगर मैं यहाँ पे आपको लेफ्ट लिख के देता हूँ तो मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल्स। ओके, तो यहाँ पे मार्जिन ये लेफ्ट से 50 पिक्सल मार्जिन लेगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे 50 पिक्सल्स का स्पेस मिल चुका है। एंड अभी मैं ऊपर से अगर 50 पिक्सल्स की मार्जिन चाहता हूँ तो उसके लिए आपको मार्जिन टॉप का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप इसका यूज़ नहीं करती हैं और सिंपल मार्जिन का यूज़ करते हैं एंड 50 एंड 60 पिक्सल्स का यहाँ पे देते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देखिएगा आप। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको 50 पिक्सल्स एंड यहाँ पे आपको 60 पिक्सल्स की मार्जिन दिख रही है। 1 सेकेंड, मैं आपको चेंजमेंट करके दिखाता हूँ 100 पिक्सल्स है, तो आप बेटर समझ पाएंगे। तो आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे 100 पिक्सल्स की मार्जिन मिली यानी कि लेफ्ट, 50 पिक्सल टॉप एंड उसके बाद ये हमें लेफ्ट से मार्जिन दे रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मार्जिन किस तरह से हमारा यूज़ कर रहे हैं मार्जिन का, यानी कि लेफ्ट एंड राइट से मार्जिन जो भी मिल रही है। आपको राइट से और बॉटम से भी मार्जिन ले सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपको एक और डिप क्रिएट करके दिखाता हूँ।
बट उससे पहले मैं आपको अभी यहाँ पे पैडिंग भी समझाऊंगा। सो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे मार्जिन के बाद या वेट, मैं आपको पहले मार्जिन ही क्लियर कर देता हूँ। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करने वाला हूँ कंटेनर की जगह पे। यहाँ पे मैं इसको CON देता हूँ ID एंड हैशटैग CON। सो इसके अंदर मैं यहाँ पे सेम कॉपी करता हूँ, हाइट एंड विड्थ को मैं चेंज करूँगा यहाँ पे। सो बैकग्राउंड मैं इसका यहाँ पे ग्रीन देता हूँ, वेन हाइट इस 100 पिक्सल 100 पिक्सल्स। नाउ आई विल चेंज दिस वन आल्सो, बोथ 100 पिक्सल। नाउ सेव एंड मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे दो ब्लॉक्स मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से मुझे 100 पिक्सल का स्पेस एंड यहाँ से 50 पिक्सल का स्पेस मिल रहा है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक चीज़ और देख रहे हैं, जैसे कि आप इधर इस बॉटम पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको 50 पिक्सल एंड यहाँ पे भी आपको 50 पिक्सल्स की स्पेसिंग मिल रही है। सो मार्जिन बेसिकली हमें इस चारों बॉक्स के अंदर, यानी कि मैं आपको अगर बॉर्डर बना के दिखाऊँ तो आप समझ सकते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर का यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसकी मार्जिन यहाँ से 0 कर देता हूँ। ओके एंड रन करा के दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये दोनों एकदम पास पास हैं। यहाँ से केवल आपको स्पेस मिल रही है, ये डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है। अभी आपको यहाँ पे कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे मैं इसको अगर कोई भी मार्जिन देता हूँ, सो अब मैंने इसको केवल मार्जिन मार्जिन 20 पिक्सल्स, तो ये 20 पिक्सल लेफ्ट राइट बॉटम टॉप चारों तरफ से इसको मार्जिन देगा। सो लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, इसको चारों तरफ से मार्जिन इसने दे दी है। इसी तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप चारों तरफ से मार्जिन मार्जिन दे सकते हैं। सो मैं आपको भी यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 40 पिक्सल का मार्जिन लेगी। सो इस तरह से आप मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 40 40 एंड 40 पिक्सल्स का स्पेस मिल रहा है मेरे को। सो इस तरह से आप मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल सिंगल मार्जिन देनी है तो आपको मार्जिन उसके बाद डैश दे के यहाँ पे आपको मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट लिखना होगा। बट अगर आपको अगर चारों तरफ से मार्जिन चाहिए तो आप सीधे इसको मार्जिन यूज़ कर सकते हैं एंड आपको मार्जिन मिल जाएगी चारों तरफ से। सो गाइस इस तरह से आप मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में पैडिंग के बारे में समझाऊंगा एकदम परफेक्ट। सो थैंक यू गाइस।